हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पाथ शोवर सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दे जाऊँ कि ये पार्ट सेकंड है हमारी वन थाउजेंड एम सी क्यू सीरीज़ जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे अकाउंट्स का सिलेबस हो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर सीरीज़ होने जा रही है जिसमें हम वन थाउजेंड एम सी क्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं सो so आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो कन्सिडर सब्सक्राइबिंग एंड विदाउट टेकिंग फ़र्दर टाइम लेट्स

विच आर रिसीव जूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट्स सो पहले हमें पता होनी चाहिए जो ये रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट है ये कहाँ क्रिएट करते हैं ये हम क्रिएट करते हैं कहाँ पे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन में या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट रियल अकाउंट है ये क्या शो करता है ये समरी शो करता है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शनज की या ये प्रेपरेशन करता है किस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट क्रिएट करने में सो so, इसका सही आंसर है डी पार्ट मतलब बोथ आइटम्स ऑफ कैपिटल एंड रेवन्यू नेचर विच आर रिसीव द पीरियड ये यही शो करता है एंड द नेक्स्ट इज एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड टू ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही है एनी इनकम एराइजिंग फ्राम स्पेशल फंड विल भी क्रिएटेड जो भी स्पेशल फंड आएगा वो कहाँ पे हम शो करते हैं या अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट में ही अगर कोई रिवार्ड मतलब प्राइज मनी होगी वो कहाँ पे शो करते हैं हम वो शो करते हैं हम स्पेशल फंड्स इन द बैलेंस शीट उसका अलग एक एंट्री क्रिएट करते हैं कौन सी स्पेशल फंड इन द बैलेंस शीट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड्स वॉट फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पासड थ्रू दिल्स डे बुक विल रिजल्ट इन हमने गुड्स परचेज किए थे कितने के ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की लेकिन हमने वो एंटर कहाँ पे कर दी सेल्स डे बुक में इसे कौन से कहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा देखो सीधी सी बात है ये हमें शो करने थे कहाँ परचेज बुक में परचेज बुक में या परचेज जर्नल में तो हमने कहाँ पे कर दिए सेल्स डे बुक में इससे इंक्रीज क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा या नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने सेल में ये इंक्लूड किया है तो ये तो इससे क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा इंक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिज़ल्ट इन द डिसएग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस इनमें से कौन सा रिजल्ट शो करेगा कहाँ पे डिसग्रीमेंट ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं हम एक्यूरेसी ऑफ़ द लेजर अकाउंट्स चेक करते हैं कौन से करते हैं एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स चेक करते हैं एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स क्या हम चेक करते हैं ये हमें बताना है कि कौन सा डिसएग्रीमेंट करेगा इस एक्यूरेसी को कौन सा करेगा मतलब सेल्स रिटर्न ट्रीटेड एज परचेज परचेज रिटर्न ट्रीटेड एज सेल्स रामज अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ शाम और अंडर कास्टिंग कैश बुक बाई अलेवन हंड्रेड कौन सा करेगा ये तो देखो सेल्स टर्न ट्रेट एज ए ये तो नहीं होगा इसे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन से पड़ेगा अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक बाई वन थाउजेंड अगर कैश बुक में बैलेंस आई होगी टेन थाउजेंड अगर वहां पे हुई होगी तो हमने वो कितना शो किया इसे ये लेस कर दिया हमने ये अमाउंट शो कर दिया तो ये तो सीधी सी बात है। ये डिसएग्री करेगा एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत ही मुश्किल बनता है इन जॉइंट वेंचर एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एक्स परचेज गुड्स कॉस्टिंग फोर्टी थाउजेंड एंड वाई सोल्ड द गुड्स फॉर फिफ्टी थाउजेंड एक्स इज एन टू गेट वन परसेंट ऑफ द कमीशन ऑन द परचेज एंड वाई इज़ एन टू गेट फाइव परसेंट कमीशन ऑन द सेल्स ऑफ द प्रॉफिट वट विल बी द सेल ऑन द प्रॉफिट हमें प्रॉफिट बताना है हमें प्रॉफिट बताना है थोड़ा जूम करेंगे यहाँ पे तो पहले हम देखेंगे ये अमाउंट और ये अमाउंट कौन सा फिफ्टी थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड करेंगे पहले हम जानेंगे फुल हमें प्रॉफिट कितना आया था कितना आया था टेन कितना आया था टेन थाउजेंड कितना टेन थाउजेंड सो फिर इस फोटी थाउजेंड में एक्स को कितना मिल रहा है वन परसेंट और फिफ्टी थाउजेंड में वाई को कितना मिल रहा है फाइव परसेंट तो एक्स का कितना मिलेगा इस फोर्टी थाउजेंड का वन परसेंट फोर हंड्रेड और वाई को कितना मिलेगा इस फाइव का ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सो अगर हम ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और इसका जोड़ देंगे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड कितना आ गया ट्वेंटी नाइन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन हंड्रेड नेट प्रॉफिट बता रहे हैं हमें और इस प्रॉफिट में से इस कमीशन को लेस करेंगे टेन थाउजेंड माइनस ट्वेंटी नाइन हंड्रेड ये कितना आएगा ये आएगा सेवेंटी वन हंड्रेड सेवेंटी वन हंड्रेड इस अमाउंट को इसे माइनस करना है आ गया फुल जो प्रॉफिट आना था लेकिन इसको मिले एक्स को मिलेगा इसे वन परसेंट कमीशन और वाई को मिलेगा इस फिफ्टी थाउजेंड का फाइव परसेंट कमीशन वो हमें डिडक्ट दि, करके इस प्रॉफिट को हमें सारा जो प्रॉफिट आएगा वो कैलकुलेट करना है कितना आएगा सेवेंटी वन हंड्रेड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इस एट्थ क्वेश्चन वाट इज़ द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर्स एंड वेंचर्स अकाउंट हमने एक लेक्चर सीरीज ले आए हैं पहले ही उसमें बताया है मैंने कि जब भी वेंचर एंटिटी ये क्या हम कंसिडर करते हैं या कोई बैंक ये भी एंटिटी में आता है या वेंचर में आता है ये हम कंसिडर करते हैं हर बारी कौन से पर्सनल अकाउंट्स कौन personal, मतलब आर्टिफिशियल आर्टिफिशलर्सन्स आर्टिफिशियल पर्सनस तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बी पार्ट पर्सनल अकाउंट्स एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्लीकेबल अबाउट कंसाइनमेंट तो इनमें से कंसाइनमेंट में कौन सी एप्लीकेबल टर्म होगी इन चारों में से कौन सी लग रही है आपको सेल ऑफ गुड्स हाईफुथिकेशन ऑफ द गुड्स शिपमेंट ऑफ गुड्स और मोटगेज ऑफ गुड्स ये तो जब हम कंसाइनमेंट यूज़ करते हैं हम ये बोलते हैं हर बार सेल ऑफ गुड्स में यूज़ करते हैं सेल ऑफ गुड्स में यूज़ करते हैं एंड अनदर क्वेश्चन इज रिटायरमेंट ऑफ बिल मींस रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या है हर बारी आप देख देखते हो कि कंसेप्ट आते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या है रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट या इसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट प्रॉम्प्ट पेमेंट इस पे प्रॉम्प्ट पेमेंट क्या बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल को मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट और prompt पेमेंट एंड the नेक्स्ट क्वेश्चन is विच वन ऑफ दिस documents is नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैंक reconciliation स्टेटमेंट बैंक रिकन्सलेशन स्टेटमेंट हम जब पढ़ते हैं बीआरएस उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इंपॉर्टेंट है बैंक पासबुक इंपॉर्टेंट है बैंक स्टेटमेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही लेकिन प्रीवियस ईयर बैलेंस हमें इम्पॉर्टेंट नहीं पड़ता है सो so इसका आठ वन आउट निकालना था तो कौन सा है प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट

तो क्योंकि अमाउंट तो इतना ही दिखाना है हम ऐड करेंगे या डिडक्ट करेंगे ओवर राफ्ट एज पर द कैश बुक हमें क्या करना है जब ओवर राफ्ट एज पर द कैश बुक आएगा वो तो पहले से क्या होता है नेगेटिव जब हमने डिपॉजिट किया था कहाँ पे बैंक में लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था वो तो हमें उसे क्या करेंगे बैलेंस इक्वल करने के लिए तो ये हमें क्या करना डिडक्ट करना पड़ेगा हमें टू हंड्रेड फिफ्टी उसमें से माइनस करने पड़ेंगे सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिज एर इफेक्ट ओनली वन अकाउंट इन एरर्स में से जो ये एरर्स हैं इन एरर्स में से कौन इफेक्ट करेगा एक ही अकाउंट को कौन इफेक्ट करेगा एर रफ कास्टिंग एर रफ पोस्टिंग एर रफ कैरी फारवर्ड तो ये ऑल ऑफ द एडवांस लाइक क्योंकि ये जो एरर्स है ये ऑनली एक ही अकाउंट को इफेक्ट करते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एर इज दफ प्रिंपल इन एरर्स में से एर प्रिंसिपल इन एरर्स में से एर प्रिंसिपल कौन है फोर थाउजेंड रिसीड फ्राम शाम क्रेडिट टू शाम वो अकाउंट फाइव थाउजेंड इनकर्ड ऑन इंस्टॉशन ऑफ ए न्यू प्लान डेबिट टू सैलरी अकाउंट यही लग रहा है हमें क्योंकि इन इंस्टॉलेशन चार्ज आ गए न्यू प्लांट पे वो हमने डेबिट शो कर दिए कहाँ पे सैलरी अकाउंट में ये तो लग ही रहा है कि कहाँ पे होगा यही वाली एंट्री गलत होगी यही है कि इसने क्या प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया है कौन सा इनसे प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स आर द डेप्रबलिजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन प्रोविजन किस पे बेस्ड होते हैं डेप्रिसिएशन क्या है वारंटियर ऑफ द फिक्सड एसेट जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं या वैल्यू करते हैं वो किस पे करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ़ द एसेट हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ द दिन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट ये वाला नहीं है क्योंकि ये इसका मेथड है इसका आंसर क्या होगा देखो द रिवेल्यूड अमाउंट और द एस्टिमेट ऑफ द रिमेग यूजफुल लाइफ ऑफ सच एसेट क्योंकि एसेट को हम हर साल डेप्रिसिएट करते हैं जो उसका अमाउंट रहता है फिर उस पर डेप्रिसिएशन करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा पार्ट डी द रिवेल्यूड अमाउंट ओर द एस्टिमेट ऑफ द रिमेग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड डिस्काउंट इस अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द गुड्स ट्रेड डिस्काउंट जो हम एलो करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द गुड्स पहले मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ अगर क्वेश्चन में कभी कभार होगा पहले ट्रेड डिस्काउंट फिर होगा कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होगा फाइव परसेंट कैश डिस्काउंट होगा टेन परसेंट फॉर एग्जाम्पल अमाउंट कितना होगा वन लैख तो पहले हर बार ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया करो फिर जो अमाउंट रहेगा फिर कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया करो क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता इसका आंसर क्या आएगा सी पार्ट ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो याद रख देना पहले हम कालकुलेट क्या करते हैं ट्रेड डिस्काउंट बाद में क्या करते हैं कैश डिस्काउंट एंड द नैक्सट इज ए डेबिट नोट इशूड टू ए क्रेडिटर फॉर द गुड इजर्नड टू बी रिकॉर्डिड इन डेबिट नोट इशू कब करते हैं हम डेबिट नोट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करते हैं परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करने के लिए और क्रेडिट नोट कहाँ करते हैं सेल रिटर्न इसका आंसर क्या आएगा ए पॉट परचेज रिटर्न बुक एंड द नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसिस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कन्सेप्ट ऑफ जो भी एक्सपेंसिज एक अकाउंटिंग पीरियड में होंगे अगर यहाँ पे आ गया अकाउंटिंग पीरियड ये तो हमें रिलेट करना है किसके साथ क्योंकि ये अकाउंटिंग पीरियड period और पीरियडिटी कन्सेप्ट ये तो एक ही है तो इसका आंसर क्या आएगा periodicity concept and the next question is decrease in the amount of creditors result in decrease in the amount of creditors result in decrease kya ho jayega जब amount of creditors mein kya ho jayega देखो जब हम creditors को pay off करते हैं हमें तो पता ही है क्या decrease होता है cash होता है cash तो decrease होता ही है क्योंकि हम pay off इन्हें करते हैं and the next is सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस टू बी शोन इन जब भी हम कोई चीज़ एडवांस में लेते हैं एडवांस में लेते हैं वो हर कब बार क्या बन जाती है लाइबिलिटी सो so, क्या बन जाएगी ये लाइबिलिटी क्या लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट तो शो होगी ये एंड ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन सबका फेवरेट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन विच आर द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन कौन से हो गए कैप्टल इज कॉल एसेट्स प्लस माइनस एसेट्स इज कॉट लाइबिलिट लाइबिलटीज माइनस कैपिटल एंड इज एसेट्स प्लस कैपिटल तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे होगा ये तो पता ही है कैपिटल इज कॉल्ट एसेट्स माइनस मतलब इज लाइबल्ट कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आता है कभी कभार कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स कॉमन सेंस में जीरो आएगा आंसर इसका क्या आएगा जीरो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है पी पार्ट करेक्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन डील विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन डील किसके साथ करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन डील किसके साथ करता है पढ़ाया है मैंने एक लेक्चर में आप लोगों ने अगर लेक्चर देखा होगा तो आपको एकदम आंसर आएगा इसका तो ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है

टेन परसेंट अमाउंट शुड बी कैलकुलेटेड सो इसका क्या है ट्वेल्व थाउजेंड रुपये कितना दे रहा है डिस्काउंट टेन परसेंट कितना टेन परसेंट और अमाउ कितने महीने का सिक्स लेकिन हो बिल कितने महीने में पे करता है टू पॉइंट फाइव मंथ क्योंकि सिक्स माइनस टू पॉइंट सिक्स मंथ्स के लिए दे रहा है ये टू पॉइंट फाइव मंथ्स में ही इसको वापस कर रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा अगर हम यहाँ पे ज़ीरो जीरो काट करेंगे ये ज़ीरो इसके साथ और ये ट्वेल्व इसके साथ हंड्रेड और हंड्रेड इंटू यहाँ पर क्या रहेगा थ्री पॉइंट फाइव हंड्रेड इंटू थ्री पॉइंट फाइव क्या आएगा थ्री फिफ्टी तो इसका आंसर क्या आएगा बी पार्ट थ्री फिफ्टी सो द नेक्स्ट इज़ बिल्स इज़ इज़ अ पार्ट ऑफ बिल इज़ इज़ ए पार्ट ऑफ तो बिल इज़ पार्ट किसका होता है तो जर्नल का ही पार्ट होता है सबको पता है इजी क्वेश्चन था यूर रिसीवर किसका पार्ट है जर्नल का एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट और एक क्योंकि न्यूमेरिकल्स कभी कभार पूछे जाते हैं एक्स ऑफ दहली सेंड आउट सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट ऑफ प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट इन वाइस वैल्यू ऑफ गुड्स इज वन लैख ट्वेंटी ऑफ द गुड्स सोल्ड वेयर सोल्ड बाई द कंसाइनी एट वन लैख कमीशन एट द रेट टू परसेंट अपस वैल्यू ऑफ टेन परसेंट अपनी सरप्लस एबो इनवॉइस द अमाउंट ऑफ द कमीशन विल बी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हर कोई कहेगा हम ये छोड़ ही देंगे लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है कैलकुलेट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं तो पहले हमें देखना है तो गुड्स वैल्यू कितने, कितने में थे कितने में थे वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इसमें कितना भेजा है हमने फोर डोल फिफ्थ पार्ट हमने इसका बेजा है फोर बैड फिफ्थ पार्ट हमने इसका बेजा है ये कितना आएगा ये आएगा नाइन सिक्स नाइन्टी सिक्स थाउजेंड कितना आएगा नाइन्टी सिक्स थाउजेंड हमने बेजा कितने में है वन लैक में वन लैक माइनस नाइन्टी सिक्स थाउजेंड कितना आएगा ये आएगा फोर थाउजेंड देखो ये कैलकुलेट कर क्योंकि इसने एक लाख बीस हजार में कितना फोर बाई फिफ्थ भेजा है फोर बाई फिफ्थ कितना आएगा नाइन्टी सिक्स था भेजा कितने में है वन लाख में वन लाख में इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा फोर था फोर थाउजेंड आएगा तो कमीशन कितना मिल रहा है उसको टू परसेंट ऑन इनवाइस वैल्यू किस पे वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इसको कितना मिल रहा है टू परसेंट सो इसका टू परसेंट क्या आएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का एक परसेंट आएगा वन थाउजेंड या टू परसेंट आएगा टू थाउजेंड टू थाउजेंड एंड द कमीशन कमीशन कितना है टेन परसेंट किस पे सरप्लस पे सर प्लस कितना आया है इसका यही फोर थाउजेंड इस पे टेन परसेंट इसको कमीशन देना पड़ेगा इसका कितना आएगा इसके साथ इसके साथ आएगा फोर हंड्रड इसका कमीशन टू थाउजेंड इसका कमीशन फोर हंड्रेड तो कितना आएगा ये ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हंड्रेड कितना आएगा ट्वेंटी फोर हंड्रेड ट्वेंटी फोर इसका यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ इसका ट्वेंटी फोर हंड्रेड लिख देना बी पार ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर हंड्रेड एंड द नेक्स्ट इज इफ एक्स को वेंचर टेक्स अवे द गुड्स अंडर द मेमोरेंडम ऑफ दिस गुड्स इन हिज बुक्स टू जब भी जॉइंट वेंचर का नाम आएगा वेंचर एंटिटी, बिजनेस, बैंक ये सब क्या बन जाते हैं पर्सनल अकाउंट्स क्या बन जाते हैं पर्सनल अकाउंट्स बन जाते हैं एट द एंड ये इनमें से बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्या होता है डेब होता है क्रेडिड होता है कौन सा होता है बैड डेट्स क्या है बैड डेट्स वो अमाउंट है जो डेटर्स ने खा लिया जो डेटर्स ने खा लिया जो हम वापस नहीं कर रहे हैं अगर वो बैड डेट हमने रिकवर कर लिया वो कहाँ पे शो होगा वो तो पता ही ये क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि वो एज ए इनकम शो होती है फिर कौन सा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज रिगार्ड्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिगेसी शुड बी लिगेसी का ट्रीटमेंट क्या है लिगेसी का ट्रीटमेंट क्या है लिगेसी किसे बोलते हैं हम कैपिटलाइज वैल्यू को हम लिगेसी ही बोलते हैं इसका ट्रीटमेंट कौन सा होगा कैपिटलाइज वैल्यू का एंड द नेक्स्ट इज सेल ऑफ सिक्सटी फाइव हंड्रेड सेवेंटी इज रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक एज सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन हंड्रेड फिफ्टी सच एरर इज़ नोन एज इस एरर को क्या कहेंगे जब हमने अमाउंट इतना लिखना था हमने इतना लिख दिया इस अमाउंट का इस एरर का नाम हम क्या बोलते हैं इस एरर का हम बोलते हैं नाम एररा कमीशन क्योंकि हमें लिखना था कितना छः हज़ार पाँच सौ सत्तर हमने कितना लिखे लिखा छः हज़ार सात सौ पचास तो इसका क्या बोलते हैं एर्रा कमीशन अगेन फेवरेट क्वेश्चन विच आउ द इज करेक्ट इनमें से करेक्ट कौन सी इक्वेशन है किसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या परचेजिंग क्लोजिंग स्टॉक की ya, ya, हमें देखना है कि एंट्री इसकी फार्मूला कौन सी करेक्ट है किसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जब परचेजेस लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या निकलता है परचेज क्या निकलता है परचेज या हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखते हैं परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर बैड डेट जब प्रोविजन फॉर बैड डेट हम करते हैं बैड डेट के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं वो किस कंसेप्ट बेस पे हम करते हैं देखो मैंने एक कंसेप्ट बोला था कंसेप्ट कन्सैप्ट हम इसे क्या बोलते हैं प्रूडेंस इसमें हम कंसिडर करते हैं फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस नॉट फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट्स जो भी फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस होंगे मतलब बैड डेट वो हम पहले ही कंसिडर करके रख देते हैं आंसर कौन सा है कंजरवेटिज़म कन्सैप्ट and the last question of today's MCQ series today's lecture is capital expenditures are shown in capital expenditure हम show कहाँ पे करते हैं capital expenditure हम show करते हैं कहाँ पे balance sheet में कहाँ पे balance sheet में हम उस asset को deduct करते हैं so this was all about the today's MCQ series lecture कालेज पे और MCQs आ जाएंगी अगर आपको ये MCQs अच्छे लगे हो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना थैंक यू